नमस्कार, फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे फिर लेकर एक मुकदमा मेडिसिन की दुनिया से, मेडिकल की दुनिया से, MBBS, BDS और MD की दुनिया से। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, पिछला वीडियो भी यही था। तो आज क्या खास बात हो गई कि मुझे पुनः इसी विषय पर वीडियो लेकर आना पड़ा? बात तो खास है और खास के साथ साथ खुशखबरी की भी है। हमने पिछली बार एक एपिसोड में सरकार के इस नीति पे सवाल उठाया था कि एक तरफ हिंदुस्तान में जनता को चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत है, दूसरी तरफ MBBS की पढ़ाई काफ़ी महंगी हो गई है। आपने जो तात्कालिक बदलाव किए हैं नए रेगुलेशंस में, उसके कारण जो विदेश से छात्र MBBS की डिग्री लेकर आ रहे हैं उनको भी समाहित करने, सुनियोजित करने और अवसर देने में कुछ न कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं। यूक्रेन की अपनी समस्या है, चाइना से MBBS करके लौटे या कर रहे छात्रों की अपनी समस्या है, नेपाल वालों की अलग है, श्रीलंका वालों की अलग है। तो ये जाएं तो जाएं कहाँ, बेचारे डॉक्टर जो कि पढ़ाई करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर मैं पिछली बार आया था और जो सवाल मैंने पूछा था सत्ता से, NMC से, कि जनाब मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि एक तरफ आप साल के शुरुआत में सीट बढ़ाते हैं या कहते हुए कि जनता को और डॉक्टरों की ज़रूरत है इसलिए आपने मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ाई। मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा मोदी सरकार की। देखिए, इन पिछले 5-7 सालों में जो मेडिकल पढ़ाई की सीट है हिंदुस्तान में, यह 2014 में मात्र 51,000 सीटें थी। आज सरकार ने, जिसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए, सरकार ने इन सीटों को बढ़ाकर 1,07,000 सीटें कर दी हैं। अगर समय मिला तो मैं और सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है, कैसे सरकार ने यह तय किया है कि हर 10 लाख के पॉपुलेशन पर MBBS के 100 सीट्स होंगे, सरकार की इस नई नीति से कितने सीटों का इजाफा होगा इस पर भी बात होगी, सरकार की इस नई नीति से किस राज्यों में कॉलेज खुलने बंद हो जाएंगे इसकी भी बात करूंगा, इसका भी खुलासा करूंगा, और किन राज्यों को लॉटरी मिलने जा रही है डॉक्टरों की इस पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल उस पुराने वीडियो पर जिसमें मैंने यह सवाल उठाया था, एक तरफ सरकार 51,000 से सीटों को बढ़ाकर 1,07,000 कर दी, काबिले तारीफ है, लेकिन जनाब नीट 2023 से पहले भी सरकार ने सीटें बढ़ाईं और 51,000 सीटें बढ़ाईं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? नीट की जो डेडलाइन थी सितंबर 30, जिस दिन तक दाखिला हो जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, वैसा नहीं हुआ और परिणामतः 1,000 सीट्स वैकेंट रह गई। तो यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान था, यह राष्ट्रीय रिसोर्स का नुकसान था, यह सवाल मैंने उठाया था। 1,000 तो ये सीट्स खाली रहे और गलत तरीके से काउंसलिंग डेट के बाद कुछ राज्यों के द्वारा एडमिशन कर लिए जाने के कारण स्ट्रे राउंड में, जिसमें पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य शामिल थे, NMC ने करीब 1500 और सीटों को, उन दाखिलों को कैंसिल कर दिया था। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे 2100 सीटें, जो सीटें बढ़ाई गई सरकार के द्वारा 5,170, उसमें से आधे किसी न किसी तकनीकी वजह से, किसी न किसी खामियों से सुप्रीम कोर्ट, NMC, स्टेट, ऑल इंडिया कोटा खाली रह गए। मेरा सवाल इस बात से नहीं है, मेरा सवाल तो राष्ट्र से है कि क्या इन सीटों का
खाली रह जाना राष्ट्रीय नुकसान नहीं है। आप सबने इस पर सहमति जताई थी और मैंने कहा था इसका एक ही तोड़ है, इसका एक ही तरीका है कि सरकार, NMC, पेरेंट्स बॉडी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्शनल आधार पर अपवाद के तरह इन सीटों को भरने की अनुमति मांगे। चलिए, तो खुशखबरी यह है कि NMC सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को भरने की इजाज़त दे दी है, अर्थात एडमिशन के नए मार्ग प्रशस्त हुए, जिसकी मांग हम आपके साथ मिलकर यूक्रेन के छात्रों की समस्या की तरह इस बार भी 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स मुखर रहते हुए, सबसे आगे रहते हुए सरकार से यह मांग कर रहा था। तो आइए, हो जाए दो दो ताली, सरकार को बधाई, बच्चों को बधाई, पेरेंट्स को बधाई। एडमिशन का रास्ता खुल गया, 1000 छात्रों की और भर्ती सितंबर 30 डेडलाइन के बाद की जाएगी। NMC ने अभी अपना जिन सीटों पे दाखिला कैंसिल हुआ था डेट्स के बाद, उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के आलोक में तीन समस्याएं और सॉल्व होंगी। पहली समस्या, उन एडमिशन्स 1100-1200 एडमिशन्स जिनको NMC ने डेडलाइन के बाद किए जाने के कारण कैंसिल किया था, वह रेगुलराइज होते हुए मुझे दिख रहे हैं कानूनी दृष्टि से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पक्का यकीन है कि कानून का दरवाज़ा अगर ये छात्र खटखटाएंगे तो पैरिटी के ग्राउंड पे इनके एडमिशन को NMC को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और छात्रों का भविष्य सुनहरा बना रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राइट सेंस विल प्रिवेल एट द हेड ऑफ द NMC। सुप्रीम कोर्ट की इस अनुमति के बाद बैक डेट सितंबर 30 डेडलाइन के बाद जो 1100 दाखले बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी में किए गए थे, वह भी रेगुलराइज हो जाएंगे। तो इससे दो समस्याएं और सॉल्व होंगी कि छात्रों ने जो फीस दिया था, जिसके हम रिफंड की बात कर रहे थे, वह भी सॉल्व हो जाएगा और राष्ट्रीय हित में यह काम होगा। 2100 रिसर्चर्स को इस तरह से भारत जैसे गरीब मुल्क में, जहां डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत कॉस्टली है, वहाँ पर 2100 सीटों को खाली रख देना सरकार के उस बड़े फैसले का अपमान था, उस बड़े फैसले का मजाक था, जहां सरकार लगातार कृत्यबद्ध है MBBS सीटों को बढ़ाकर देश में एक संपन्न और सुचारू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए। तो जीत हुई सरकार के नीति की, जीत हुई सरकार के जनता के इस रिसोर्स की, और अब जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस अतिरिक्त आमदनी के आधार पर एक क्वालिटी एजुकेशन देने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो भविष्य के गर्भ में है। तो देखिए, जो नई गाइडलाइंस आई है, पहले मैं उसकी चर्चा कर दूं, उसके बाद अगर समय मिला तो और भी मसले बताऊंगा। जाते जाते आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक बात रह गई, मैं आज इतना एक्साइटेड हूँ कि यह सीट बढ़ गई है, बच्चों को कितनी खुशी हो रही होगी, पेरेंट्स को कितनी खुशी हो रही होगी। ऐसा ही MD सीट्स भी खाली रहने के बाद सरकार एक फैसला लेके आई और इवन उन लोगों को दाखिला दिया गया जिनके मार्क्स निगेटिव में आए थे। ये अलग बात है, एक विषय का बहस हो सकती है कि फिर सरकार ने एग्ज़ाम ही क्यों लिया, अगर निगेटिव मार्क्स वालों को भी एडमिशन देना था। लेकिन मैं इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, जो मानव संसाधन हैं, उसके अपव्यय को लेकर आपसे इस वक्त चर्चा कर रहा हूं, इसलिए उस बहस में मैं नहीं पढ़ता। तो फिलहाल MD में जिस तरह की एक एक्सेप्शनल अपवाद भरा फैसला सरकार ने लिया और सीटों को भरने का काम किया, वैसा ही एक अपवाद एक्सेप्शनल फैसला सरकार ने लिया और ये खाली पड़े सीटों को, 2100 सीट्स जो खाली पड़े हैं मेडिकल कॉलेज में, इसको भरने के लिए एक सीरियस एफर्ट्स किया, उसके लिए पुनः सरकार बधाई की पात्र है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। अगली एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किन राज्यों को नए मेडिकल कॉलेजों की, नए डॉक्टरों की सौगात मिलेगी और किन राज्यों के भाग्य पे ताला लगेगा। नए डॉक्टरों के बारे में क्यों लगेगा, नए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। शर्त यह है कि फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से प्यार, दुलार और अभिनंदन हम पर लुटाते रहें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए विषय लेकर यहाँ आते रहें। नोटिफिकेशन बटन बताना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अब खैर नहीं होगी इस देश में झोला छाप डॉक्टरों की। सरकार ऐसी कौन सी तकनीक लेके आ रही है जहां अब डॉक्टर, पूरे देश के डॉक्टर एक जगह एक वेब पोर्टल पर दिखेंगे, इसकी बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। अभी आइए इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसकी घोषणा सरकार ने 31 अक्टूबर से कर दी है। एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप भी उन नौजवान नीट क्वालिफाइड साथियों में से हैं तो देर न करें, रजिस्ट्रेशन करें, स्ट्रे राउंड अटेंड करें और अपना दाखिला लें और हम तक भी मिठाई बधाई के माध्यम से, सुपर थैंक्स के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। तो जी हां, मैं बता दूं कि 1000 सीट्स पर और ये एडमिशन्स होंगे। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी वैकेंसी है, 60 के करीब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वैकेंसी है जहां आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 940 सीटें हैं जहां आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें दाखिले की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 7 नवंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें यह प्रक्रिया 7 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी और नए गाइडलाइंस के अनुसार 15 नवंबर तक एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इसलिए आप इसके बारे में अगर और जानकारी जानना चाहते हैं, पूरे शेड्यूल को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने या हमारे इस वीडियो पे बैक करके पीछे जाएं, हमने NMC की वह सूचना, अधिसूचना यहाँ आपके लिए दे रखी है, उसका अध्ययन करें। NMC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से शेड्यूल लाएं। हम अगले एपिसोड में किन राज्यों को नए मेडिकल कॉलेज के सौगात मिलने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। नीट 24 का भी सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है, उसकी भी बात हम करेंगे। जो नई मेडिकल पॉलिसी आ रही है उसमें यह नीट का एग्ज़ाम कैसे होगा, अगले साल कैसे सीटें भरी जाएंगी, नीट 24 का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसा ना समझें, आप तमाम युवा साथी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ MBBS या BDS के छात्रों के लिए बात करूंगा या वीडियो लेकर आऊंगा। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा जो कि इस वर्ष आपको बहुत परेशान किया है, UG अंडर ग्रेजुएट सामान्य परीक्षा, UG कैट की परीक्षा, उसमें क्या तब्दीली, उसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ताकि आप अभी से अगले UG कैट की तैयारी करें जिसके आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन करने का, पूरे इसको एक ऑल इंडिया नेचर, एक ऑल इंडिया कंपटीशन के तौर पर सरकार विचार कर रही है, उसके बारे में क्या नई नीतियां हैं, किस तरह से यह आयोजित किया जाएगा, छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इन सब की कानूनी पृष्ठभूमि क्या है, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, इन सारी बातों पर बात होगी अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।